सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों हमने प्रधानमंत्री आवासीय योजना से जुड़ी बहुत सारी वीडियो पहले ही बनाई है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं और जो व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो लगातार देखते हैं तो उनका हमसे यही सवाल रहता है कि वो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस नहीं देख पा रहे या उन्हें अपनी एप्लीकेशन की स्थिति का पता नहीं चल पाता। तो हमसे जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से वो अपने एप्लीकेशन की स्थिति या स्टेटस को देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को हमने उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया है कि आप किस तरह से अपने एप्लीकेशन या आवेदन की स्थिति को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको लिखना है PMAY। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है PMAY स्टेटस। तो जैसे आप PMAY स्टेटस लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा असेसमेंट स्टेटस। ठीक है दोस्तों, ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो PMAY का जो ये ऑफिशियल पेज है यहाँ पर इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है और आप बड़ी आसानी से अपने घर पर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना का जो ये एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने का ये एक फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम दो तरह के से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बाय नेम, फादर्स नेम और आईडी के द्वारा। ठीक है, या तो अपने नाम, अपने पिता का नाम और अपनी आईडी, जो भी आपने आधार कार्ड या कुछ भी दिया हो उसकी आईडी के द्वारा भी ढूंढ सकते हैं। नहीं तो आप बाय असेसमेंट आईडी के द्वारा भी यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। असेसमेंट आईडी का नंबर कहाँ पर होगा, जो आपने एप्लीकेशन जब अप्लाई किया होगा इस योजना के लिए तो उसकी रिसिप्ट पर ये असेसमेंट आईडी नंबर लिखा होगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दोनों तरीकों में बताता हूँ कैसे हमें चेक करना है। तो पहले नंबर पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ बाय नेम वाले पर और यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब ये देखिए ये पेज आ गया है। अब यहाँ पर बाय नेम पे मैंने क्लिक किया है तो आप देखिए यहाँ पर देखते हैं बाय नेम वाले पे मैंने यहाँ क्लिक किया है तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें भरनी है। सबसे पहले अपना स्टेट नेम, आप देखते रहिए, सबसे पहले अपना स्टेट नेम भरना है जो भी आपका स्टेट है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला, उसके बाद सिटी का नाम, ठीक है, उसके बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम ये देखिए, और उसके बाद अपना आईडी टाइप जो भी आपने अपनी आईडी दी है। अगर आधार कार्ड दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अगर कोई दूसरी आईडी दी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको लिखना है अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपने इस योजना के लिए अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपकी एप्लीकेशन की पूरी डिटेल आपके पास मिल जाएगी कि वो पेंडिंग है, रनिंग है या उस एप्लीकेशन पर क्या काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलता तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय असेसमेंट आईडी। तो ये असेसमेंट आईडी जैसे कि मैंने आपको बताया ये वो नंबर है जब आपने अप्लाई किया था तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, ये नंबर वहाँ पर लिखा होता है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा और यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जाएगी, एक तो आपका असेसमेंट आईडी जो कि रिसिप्ट पर लिखा होगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी आपने इस योजना में अप्लाई करते वक्त अपना मोबाइल नंबर दिया हो। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके एप्लीकेशन की जो भी स्थिति होगी, जो भी स्टेटस होगा आपको बता दिया जाएगा कि वो पेंडिंग है, रनिंग है या उसके ऊपर क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन लोगों के लिए जो अपनी एप्लीकेशन का स्थिति पता करना चाहते थे और परेशान थे अपनी एप्लीकेशन और अपने आवेदन की स्थिति को लेकर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये सब्सक्राइब के लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।